ओके, गुड मॉर्निंग अमन। सो व्हाट वर वी डूइंग इन द लास्ट क्लास? हमने कुछ एक्सरसाइज शुरू की थी आई गेस, है ना? लेट मी सी। हाँ, पहले क्वेश्चंस कर रहे थे ना, 12 प्लस विद टू सेंटेंसेस। ओके, ये सारे हमने कर लिए थे या फिर वी वर समवेयर इन बिटवीन? ऊपर वाले क्वेश्चन हो गए थे आई गेस। ओके, एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी टिल दिस लास्ट क्वेश्चन। देख के पता चल जाएगा आप लोगों को। ये वाली तो हो गई थी शायद, रिमोट इम्यूनिटी। हाँ ये हो गया, हो गया था। हाँ ये हो गया सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, बिकॉज़ आर सिक्स है इसमें मेरा मन होता है, मैं इसमें सारी चीजें शामिल कर दूंगा। दूसरे वाली कर रहे थे, कौन सी इसके अलावा? हाँ वो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग वाली। ओके, उसमें कुछ क्वेश्चंस हुए थे, कुछ रहते थे। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। I have to find the cat now. फ्रेजल थी ना ये शायद से। क्या थी? फ्रेजल वर्ब्स था। हाँ। फ्रेजेस। That was fill in the blanks. So शायद कुछ ही क्वेश्चंस थे उसके अंदर। Let me see. नहीं हमने 12 तक किए थे। फिर उसके आगे कंटिन्यू करना था 13 से। ओके, फ्रेजल वर्ब्स और एक्सेस। हाँ शायद फ्रेजल वाली थी। दिस इज द फ्रेजल वर्ब एक्सरसाइज। ये शायद हमने क्यों के बारे तक देखो। नहीं ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है ना। आप लोग I have to look for another one. One word. पहला क्वेश्चन था let the cat out of the bag, बस उसी को देखो। ओके, नहीं तो आप दूसरा स्टार्ट करा दो। और क्या यही ऑप्शन? कैट को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा फिर अभी, है ना? इसी तरीके से आते हैं मिक्स्ड और ऐसा बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, ठीक है? और एक से मिलेगी हम कर भी लेंगे उसे। फर्स्ट ये वाले करते हैं, देन हम ऊपर जो फ्रेजल वर्ब्स है वो वाले करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स के बारे में सब लोग जानते हैं ना, हमने बात की है। व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? से यस, हम लोग जानते हैं सब। नहीं? ओके, फ्रेजल वर्ब्स क्या? थोड़ा और बताया होगा, जैसे लुक आफ्टर होता है, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब इज व्हाट? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। सर जो एज इट इज फॉर्म में यूज होते हैं उनको कोई चेंज नहीं होता। जो क्या होते हैं?
जो मतलब जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में यूज होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई ऑल्टरेशन नहीं होएगा विद द यूसेज ऑफ सेंटेंस. विद द यूसेज ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब अगर सब्जेक्ट सेंटेंस. अब देखो इसमें चेंज ऐसा होता है ना, आई लुक आफ्टर अभी के लिए हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में बोलोगे तो आई लुक आफ्टर समथिंग, मैंने ध्यान रखा किसी चीज का, तब तो आप उससे पास्ट में यूज कर लेते ना लुक आफ्टर. तो उस तरीके से का चेंज इसके अंदर आता है टेंसेस का. वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. नाउ दिस इज अ वर्ब लुक आफ्टर. फ्रेजल वर्ब्स होते हैं कि जिनको जिसमें आप वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन यूज करते हो एंड उसका मीनिंग कुछ और होता है. जैसे फ्रेजेस होते हैं ना जो कुछ और सिंबॉलिक यूज कर रहे होते हैं किसी और चीज के लिए, वैसे होते हैं फ्रेजल वर्ब्स. तो लुक आफ्टर हो गया, आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, रन इनटू, ठीक है. तो क्या बोलूंगा, आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, रैन का मतलब तो दौड़ना होता है, लेकिन रैन इनटू यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है, टू मीट सडनली या टू मीट एक्सीडेंटली, पता है नहीं चीज, ठीक है. तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये वाले, रन इनटू हो गया, लुक आफ्टर हो गया, ठीक है. अब जैसे बोलते हैं नॉड ऑफ, ठीक है, नॉड ऑफ, वैसे नॉड का मतलब क्या होता है, जैसे आई आस्क्ड हिम वेदर ही वुड लाइक टू हैव सम कॉफी एंड ही जस्ट नॉडेड, गर्दन हिलाना, वो भी हाँ में है ना, मतलब लाइक हाँ चलो ठीक है ले लेंगे कॉफी. दो वर्ड्स होते हैं नॉड और शुक. When they say, shook, वो शेक वाला है, ठीक है, he shook his head, इसने उसने मना कर दिया, and he nodded, मतलब उसने हाँ कर दिया. उस तरीके से आप यूज करते हैं दो वर्ड्स को, नॉड और उसको. अब देखो नॉड का मतलब तो गर्दन स्टील में लाना, when we are saying nod off, इसका मतलब होता है टू फॉल असलीप. या फिर हम लोगों ने कभी एरर्स में एक आधा क्वेश्चन किया था, उसमें एक वर्ड आया था कॉल, कॉल ऑन था ना, कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट समथिंग, या कोई भी मिनिस्टर जैसा था. कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, टू विजिट, यू गॉट द आइडिया ना कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं. तो दीज आर फ्रेजल वर्ब्स, सबने पढ़े हैं वाले, ठीक है. भास्कर, प्रमोद, निशा, अमन, समझ में आया फ्रेजल वर्ब्स? यस सर. चलो तो याले क्वेश्चंस मतलब ऊपर जो है ना फ्रेजल वर्ब्स है, अभी करते हैं पहले याले एक्सरसाइज करते हैं देन फ्रेजल वर्ब्स करें. ये इजी क्वेश्चंस है इसके अंदर, ठीक है. इसमें तो आपको पता ही चल रहा है क्या करना, हाईलाइटेड है एंड यू हैव टू फाइंड, अगर उसके अंदर कुछ एरर है तो हैव टू लुक फॉर द ऑप्शन, वरना तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड. तो याले करते हैं पहले, देन वी विल मूव टू द अनदर वन. तो इसमें क्या होगा, सही एनीवन Which one? पहले वाला? नहीं. It was us who had left before everyone else arrived. बाकी लोग तो ये हुआ नहीं तो no correction होगा. या तो A, otherwise no correction. ऐसा क्यों? नो करेक्शन तो किसी हालत में नहीं होना है. यू शुड रिमेम्बर इट वॉज के साथ में, हम यहाँ पे अस तो यूज करते ही नहीं, हम लोग वी ही यूज करते हैं. याद है प्रोनाउंस हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज ही नहीं होगा, इट वॉज ही, सॉरी इट वॉज क्या बोल रहा हूँ, इट वॉज ही, इट वॉज हिम नहीं होगा, इट इज हिम नहीं होगा, इट इज ही, ठीक है. तो हम बोलते इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल समथिंग, तो हम इसके साथ हमेशा सब्जेक्टिव बेस यूज करते हैं. Is, am, are, was, were, याद है टू बी फॉर्म के साथ हम सब्जेक्टिव बेसिस करते हैं. तो इट वॉज अस तो होना नहीं है, इट वॉज वी, ठीक है. तो यस अमन का आंसर बिल्कुल सही है, इट वॉज वी हु हैड लेफ्ट बिफोर एवरीवन एल्स अराइव्ड, सी हो जाएगा. अब देखते वहां पे हैड की जरूरत नहीं है. यस,
क्योंकि ये तो सिंपल पास में रहेगा कि भाई जब तक सब लोग पहुंचे तब तक हम जा चुके थे, है ना। तो इट वॉज वी सॉरी इट वॉज वी हु हैड लेफ्ट बिफोर, तो हम लोग थे जो सबसे पहले निकल गए थे, मतलब सब लोग आने से पहले निकल चुके थे वहां से, हु हैड लेफ्ट बिफोर एवरीवन एल्स अराइव्ड। वही टेंसेस का इसमें थोड़ा सा यूज है। इसके बाद वी हैव टू स्टार्ट टेंसेस, है ना। ये बात कितने लोगों ने, हाँ टेंस स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा सबको कि पास्ट में अगर हम दो एक्शंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए मेरा टेंस पढ़ाने का मतलब, पास्ट में अगर दो एक्शंस की बात कर रहे हो तो जो सिंपल पास्ट में एक्शन है उससे पहले कोई एक्शन हुआ है वो आपका पास्ट परफेक्ट में रहता है, यानी उसमें हैड प्लस वी थ्री आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट। चलिए तब तक इसे कॉमन सेंस से करते हैं। नेक्स्ट वन इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, आप बस इसे पढ़ के कर दोगे, ठीक है, ज्यादा इजी है। एंड इन एसएससी यू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे इजी लगेंगे वो ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। Driven largely by, yeah, है ना, the planet's average surface temperature has risen about 2.0 degrees Fahrenheit since the late 19th century. A change driven largely by, यानी इससे driven हुआ, ठीक है। ये देखा जाए तो उसमें हम लोगों ने लगाया active passive voice में ना, ये उस चीज से हो रहा है ये वाली चीज, तो driven largely by increased carbon dioxide, ठीक है। आंसर सब लोग करते रहो साथ में। The serene lush green slope of the hill station make it a ideal venue for the medication camp. Yes, make it an ideal venue, है ना? बिल्कुल सही। Make it up, जब बोलते ना कि he made up a story, मतलब कुछ भी बना देना, उस वाले sense में use करते हैं make up, ठीक है? Make up something, एक तो make up होता है, दूसरा make up होता है कि किसी चीज को ऐसे बना देना, बस कहानी ऐसा, ठीक है? He made it up, तो उसमें use करते हैं, तो उसका ये सही हो जाएगा बिल्कुल। इट हेल्प टू डैश, टू प्लस वी वन यूज करेंगे हम उसके साथ में, बिल्कुल सही, ठीक है। टू फ्लरिश, ये हो जाएगा टू फ्लरिश दैट वुड अदरवाइज स्ट्रगल, बिल्कुल सही। The man who has committed such a heinous crime must get the mostly severe punishment. ठीक है, यस। देखो mostly severe कोई मतलब नहीं यहाँ पे, mostly तो हटे कैसे, must get the most severe punishment, यानी बहुत बुरा punishment मिलना चाहिए इस इंसान को, ठीक है। बस अनडाउटेडली सी, बिल्कुल सही अमन। नेक्स्ट आई रैंक द कर्नल एंड आस्क्ड हिम टू पुट माय नेम फॉरवर्ड फॉर द वैकेंसी इन ज्यूरिख। ए होगा, पुट अप माय नेम अप, पुट माय नेम अप, नो पुट माय नेम फॉरवर्ड फॉर वैकेंसी इन ज्यूरिख, आई बिलीव ये सही है। आई रैंक द कर्नल, हाँ यस ई हो जाएगा इसका,
क्योंकि पुट माई नेम अप इसको हम लोग जनरली यूज करते हैं टू अनाउंस और समथिंग, ठीक है, कुछ अनाउंस कर देना इसके लिए, लेकिन जिस तरीके की सेंटेंस है, अब मेन चीज ये कि जो लिखा है वो भी ठीक है। पुट माई नेम फॉरवर्ड का मतलब होता है सजेस्ट करना किसी को, ठीक है, मतलब किसी को बताना कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है इसको आप रख सकते हैं। पुट माय नेम अप का ये नहीं है मतलब ऊपर रखे सबसे आगे रखे, नहीं नहीं नहीं, पुट माय नेम अप का मतलब होता है हाँ ये अनाउंस करने वाले सेंस में, या बस बता देना कि ये पर्सन ऐसा होगा, और मान लो उसके साथ भी ये गलत नहीं होगा, मतलब पुट माय नेम अप भी सही है, लेकिन हमें करेक्शन तब करना है जब ये गलत हो, ये भी एक चीज है, ठीक है। पुट माय नेम अप में मीनिंग गलत नहीं हो रहा, मीनिंग ठीक निकल रहा है कि मेरा नाम आगे बढ़ा दें, इसमें बोल देने वाले सेंस में आएगा पुट माय नेम अप, अनाउंस कर देना, ठीक है। तो लेकिन आई रैंक द कर्नल पुट माई नेम फॉरवर्ड, इसका मतलब है तुम सजेस्ट सामने वाले को बताओ कि भाई ये बंदा सही है फॉर वैकेंसी इन ज्यूरिख, ठीक है, जो लिखा है वो ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे, इसलिए नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देखो नीचे ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, नीचे ऑप्शन सही हो सकते हैं, मतलब जो लिखा है वो भी ठीक हो सकता है और ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, बट जो लिखा है वो गलत हो ये हमें पहले समझना है, अगर वो गलत नहीं है तो देर इज नो नीड टू मेक एनी चेंज, फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपने ऑप्शन सही लगाया नहीं। Yes, according to International Migration Outlook 2017 report on OECD member countries, Indians ought to का तो खैर यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, ought to be among top asylum seekers in other countries. Report के अनुसार बता रहे हैं तो तुम बताएंगे कि वो लोग हैं, ठीक है, तो yes, Indians are, ठीक है, said to be नहीं होगा because अभी report तो आ चुकी है, उसके according ऐसा है, तो हम fact के form में बताएंगे, तो yes, Indians are among top asylum seekers in other countries. Asylum पता है ना? नहीं, वो मेंटल असाइलम होगा, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल नहीं होता ये असाइलम, किसी भी रेफ्यूजी कैंप को बोल सकते हैं, या फिर कहीं पे भी जो सेफ जगह एक इंसान चाह रहा होता है ना किसी दूसरे कंट्री में जाके कि अभी उसे रेफ्यूजी का दर्जा मिले या फिर वहां पे रहने के लिए कोई भी सेफ जगह मिले, उसके लिए बोलते हैं असाइलम, ओके। और जो साइकोलॉजिकल सवाल होता है उसे अलग से वर्ड है मेंटल असाइलम, तो तब उसके लिए यूज किया जाएगा। So this is correct. इसमें क्या हो जाएगा, ये अलग अलग asylum seeker मतलब दूसरे देश में पनाह मांगना, वहां पे रहने के लिए जगह मांगना, बस सेफ, उसके लिए बोलते हैं। Although हम लोगों ने वर्ड बहुत बार मेंटल asylum सुना होता है, इसलिए हमें सीधे वही लग रहा होता है। Yes, at a speed 8 times faster than, बिल्कुल सही प्रमोद, यहाँ पे एक than लगा है, दूसरा हम लोग fast, faster आएगा, more fast नहीं लिखेंगे हम लोग, जैसे हम ER लगा के लिख सकते हैं उसके साथ हम लोग more नहीं लगाएंगे, तो B is correct ना? Yes. किसी को भी कुछ और लगा रहा हो वगैरह तो बता दिया करो साथ में कि मुझे शायद ये लग रहा था।
अब देखो इसमें क्या होगा ना, पहली चीज ठीक है, बी इज करेक्ट, सी के नहीं होगा वन, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज अग्रीमेंट्स नहीं है, दूसरा है फॉर द फेलियर, ऐसा फॉर द फेलियर होता तो भी चल जाता, फॉर इट्स फेलियर नहीं है, फॉर द फेलियर होता तो भी चलता। तो पहली चीज यहाँ पे फॉर द फेलियर है, फॉर इट्स फेलियर लगाना था। दूसरा टू अबाइड बाय, अबाइड के बाद बात हो जाएगी, अबाइड बाय द अग्रीमेंट्स, ये है ना कौन से अग्रीमेंट्स, क्योंकि हम आगे बता रहे हैं जो मेंशन किए गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके साथ द भी आना चाहिए था और ये प्लूरल भी आना चाहिए था। अब देखो पहला वाला सही हो सकता था, ये सही हो सकता था फॉर हैविंग फेल्ड, ये मैं बताऊंगा नोट्स पढ़ेंगे हम लोग तब, कि जब भी आप ऐसे बोलते हो हैविंग फेल्ड V3 इसका काम हो चुका, यानी कि फेल होने के बाद, ठीक है, तो आप ए वाला भी लगा सकते थे। ओके, ए वाला हमने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे फॉर हैविंग फेल्ड टू अबाइड के बाद टू लगाया, इसलिए गलत हो गया टू की वजह से। डी वाला सही हो सकता था क्योंकि इसमें तो बाय भी लगा है, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट लगा है, इसलिए गलत हो गया क्योंकि आगे साफ साफ मेंशन कर रखा है प्लूरल की बात चल रही है, ठीक है, इसलिए वाला गलत हो गया। और बी वाले में सबको सही दे रखा है, फॉर इट्स फेल्ड है तो आप या तो फॉर इट्स फेलियर बोल सकते हो या फिर फॉर फेल्ड बोल सकते हो, जो दो दोनों चीज दिखाएंगे कि एक फेल हो चुके हैं उसकी बात, मतलब किसकी वजह से, किस चीज के लिए फेल हुए, अग्रीमेंट्स को फॉलो करने में जो भी बोले गए मेंशन किए गए थे, ठीक है। वी आर जस्ट लेफ्ट विद B1, B ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें बताया फॉर इट्स फेलियर अबाइड बाय द अग्रीमेंट्स, तो ये भी प्योर लिया है, सब कुछ ठीक है इसके अंदर, बी इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन दे वाला, ऑप्शन से ज्यादा सही लग रहे थे इसलिए। नेक्स्ट बांग्लादेश पार्लियामेंट रेज द स्टेट स्टैंड ऑफ अगेंस्ट जुडिशरी बाय पासिंग एन आर्मी रेजोल्यूशन टू टेक प्रॉपर लीगल स्टेप्स। इन्हें स्टैंड इन तो ठीक है, बाकी लोग को नहीं, बी ठीक है तो नहीं मैं ऐसे पढ़ो, नहीं नहीं निशा क्या, बी हाँ यस, हमने तो पूरे एक्सप्रेशन के साथ लिखा है अभी भी, नहीं नहीं ये नहीं ये वाला। ओके यस, बी इज करेक्ट, स्टैंड ऑफ, देखो ऑफ ये वाला आएगा, ठीक है, ऑफ यू यूज डबल एफ, ठीक है, इन स्टैंड ऑफ अगेंस्ट द जुडिशरी लास्ट वीक बाय पासिंग अ यूनैनिमस रेजोल्यूशन। देखो स्टैंड ऑफ क्या होता है, जब दो लोग एक जगह पे अटके हुए हो, यानी कि दोनों लोग बस एक जगह पे कंफ्यूज होके रुके हुए हो, मतलब एक दूसरे कोई भी एक्शन आगे नहीं ले पा रहा, उस वहां पे यूज करते हैं स्टैंड ऑफ अगेंस्ट द जुडिशरी, ठीक है। तो बांग्लादेश पार्लियामेंट रेज द स्टेक्स इन स्टैंड ऑफ अगेंस्ट द जुडिशरी लास्ट वीक बाय पासिंग दिस डिसीजन, यानी कि दोनों लोग एक जगह रुके हुए थे, उसके बाद उन्होंने अपने स्टेक्स बढ़ा दिए, यानी जो भी कुछ अपनी साइड से ज्यादा वैलिड पॉइंट्स रख दिए सामने, अपने बैलेंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर, कुछ उसके लिए यूज करते हैं ये वर्ड, ठीक है, इन स्टैंड ऑफ अगेंस्ट द जुडिशरी लास्ट वीक, यानी कि ये लोग किसी काम पे पहले से अटके हुए होंगे लेकिन उन्होंने एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास कर दिया टू टेक प्रॉपर लीगल स्टेप्स ओवर अ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट नलीफाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन 16th अमेंडमेंट, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट वो साथ में इकट्ठा हो गया ऐसा कुछ है। चलिए अब देखते हैं जो फ्रेजल बहुत सारे क्वेश्चंस बात कर रहे थे उनकी। वाई क्लास के बीच में कहाँ जाना है, ओके चलो ठीक है, फर्स्ट वन चलिए देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स। आई हैव टू डैश माय नोट्स वंस अगेन टू मेक श्योर आई हैव लर्न्ड ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब एक चीज समझना, इस वाले में आप आंसर एकदम सही बताओगे, मतलब सही
सही भागे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत तरीके से होता है, हमें यूज करना आता है कि कैसे यूज किया जाएगा इसे, तो इसमें आंसर हम ऑलरेडी सही बता देते हैं। ये होगा यस, आई हैव टू गो ओवर, गो ओवर का मतलब होता है कंसीडर एग्जामिन, ठीक है, कंसीडर और एग्जामिन यानी फिर से चेक करना, तो आई हैव टू गो ओवर माई नोट्स, ठीक है, तो गो ओवर यानी कि टू कंसीडर और टू चेक अगेन, तब यूज करते हैं हम लोग। और इस सकते हो पुट अप विद, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को मतलब बोल सकते हो सफर करना, टू सफर थ्रू, या फिर टू एंड्योर, सहना किसी चीज को, ठीक है, बेसिकली किसी चीज को टॉलरेट करना, टॉलरेट करने का मतलब होता यही होता है ना कि हम सफर कर रहे होते हैं बट स्टिल वी हैव टू मतलब मानते रहना पड़ता है उस चीज को, तब यूज करते हैं अलग वर्ड, तो इसके साथ हो जाएगा पुट अप विद, टू सफर, टू टॉलरेट, ठीक है, तो आप यूज करते हो। अच्छा ये कब यूज करते हो, सी का मतलब क्या होगा, टेक आफ्टर, नहीं पता, देखो टेक आफ्टर का मतलब होगा टू रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है किसी की तरह दिखना, है ना, तो जैसे ही takes after his father, अगर ऐसा बोला जा रहा है he takes after his father, इसका मतलब है he resembles his father, resemble का मतलब क्या होता है, सामने वाले की तरह दिखना, जिसकी बात कर रहे हो, तो he resembles his father, ठीक है, तो इसे लिख लेना, take after मतलब resemble, ठीक है, किसी की तरह दिखना। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब या वैसा ही, यस, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए क्योंकि स्टैंड फॉर, जो स्टैंड फॉर है इसमें कुछ अलग से नहीं है, पुल डाउन, पुल डाउन हो गया, मतलब से नॉर्मली इनके वर्ड वाले सेंस में यूज कर सकते हो, और जहां भी यूज किया जाएगा तो इसका मीनिंग हम साफ निकाल सकते हैं, ठीक है, तो याद रखने वाले इसमें थे पुट अप विद, ठीक है, और टेक आफ्टर, बाकी गो वर्क का तो हम लोगों ने देख ही लिया। चलिए नेक्स्ट, माय चेकअप रिजल्ट्स इंडिकेट दैट आई हैव टू डैश ऑल माय बैड हैबिट्स एट वंस। अब देखो आप एकदम से सही बता दोगे, चेकअप रिजल्ट्स से क्या पता चलता है कि मुझे अपनी बैड हैबिट्स को, अरे नहीं अमन फिर से पढ़ो, इजी है यार, लेट डाउन नहीं पोटैटोस। अच्छा लेट डाउन कब यूज करते हैं, आई विल नॉट लेट यू डाउन, सुना इस तरीके का, लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंट, मतलब किसी से कुछ बोला और आप उसे डिसअपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं आई विल नॉट लेट यू डाउन या यू हैव लेट मी डाउन, ऐसा बोला जाता है टू डिसअपॉइंट, लेट डाउन, ठीक है, यस अमन प्रमोद, इसमें ये आ जाएगा, सी गिव अप, माय चेकअप रिजल्ट्स इंडिकेट दैट आई हैव टू गिव अप, यानी कि आई हैव टू, तो ये अपनी आदत तो छोड़नी पड़ेगी, गिव अप समथिंग, ठीक है, नेवर गिव अप, ऐसे बोला तो जाता है इतनी बार, नेवर गिव अप, लेकिन हाँ बुरी आदतों के लिए यू शुड गिव अप, ऐसा है, ठीक है, तो यू हैव टू गिव अप ऑल माय बैड हैबिट एट वंस, ठीक है, पुट अक्रॉस, सुना है, आई हैव टू पुट अक्रॉस माय पॉइंट, ऐसा करके बोलते हैं, पुट अक्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा, सामने रखना है ना किसी बात को, अपनी सामने समझाना, बिल्कुल सही, तो पुट अक्रॉस का मतलब होगा टू एक्सप्लेन, यानी इसीलिए मैं कह रहा था, देखो हम सेंटेंस में यूज करके जानते हैं इसका, ठीक है, पुट अक्रॉस को यूज हम अगर ही पुट अक्रॉस दिस पॉइंट, यानी उसने अपनी बात सामने रखी, अपनी बात एक्सप्लेन करी, जो भी स्थिति थी या जो भी बात थी, ठीक है, कीप ऑन का भी मतलब हमें पता है कॉन्टिन्यू रखना, ठीक है, कीप ऑन डूइंग दिस वर्क, यानी कि कंटिन्यू रखना किसी काम को, और ब्रिंग अप, ब्रिंग अप एज इन किसी भी नए पॉइंट के साथ आना, तब यूज करते हैं ब्रिंग अप,
तो यस गिव अप आ जाएगा यहाँ पे, बाकी पुट अक्रॉस और लेट डाउन द मीनिंग हमें समझ में आ गया, यू कैन नोट इट डाउन और अगली बार यूज कर सकते हो इसे किसी भी सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट इज दिस वन, वी हैवंट बीन एबल टू डिसाइड ऑन हु इज गोइंग टू डैश आवर बेबी। इजी है, देखो इट सबसे इजी है, यस। So he is going to look after our baby while we are on the business trip next week. बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। बाकी इसके अंदर सारे वर्ड्स उस तरीके से दिए हुए हैं। Go on पता है हमें, ठीक है। Fallout देखो कई बार यूज किया था डिसएग्रीमेंट के लिए। जैसे हिज बिहेवियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल आउट बिटवीन अस या फॉर द फॉल आउट इन द टीम, ऐसा कुछ यानी डिसएग्रीमेंट अमंग द टीम, तो तभी यूज करोगे फॉल आउट, ठीक है। बाकी गोवन हमें पता है कैसे यूज किया जाएगा। गेट बाय का मतलब क्या होता है? सर्वाइव और मैनेज। ठीक है, सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, डू यू थिंक, देखो यार ऐसा है ना कि किसी भी उसको समझने के लिए हम चाहो तो साथ में सेंटेंस भी लिख सकते हो जिसमें मेरे को लगेगा बताने का, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रीडिंग ही अच्छी होती है। तो डू यू थिंक दे कैन गेट बाय ऑन ओनली वन सैलरी या ओनली गेट बाय ऑन Only one salary, यानी केवल एक ही सैलरी पे गेट बाय कर सकते हैं या फिर गेट बाय ऑन दिस मच सैलरी, जो भी सैलरी रही हो ऑन दिस मच सैलरी, या तुम्हें लगता है कि वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करते हो गेट बाय, बट इट इसे भी नोट कर सकते हो। बाकी कम टू गो ऑन ये तो नॉर्मल है, हम यूज कर पाएंगे कैसे भी, लेकिन अब इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रेजल वर्ब्स क्वेश्चंस इसके एसएससी बैंकिंग दोनों में मिलते हैं। आगे बढ़े, टुडे देयर इज अ टेंडेंसी इन आवर कल्चर टू डैश द पीपल हु हैवंट बीन टू अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट। टुडे देयर इज अ टेंडेंसी इन आवर कल्चर टू लुक डाउन ऑन, देखो लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को इस तरीके से देखना ना कि कैसे देखना, क्या मतलब होगा अमन? वैसे निगाहों से, मतलब थोड़ा नीचे निगाहों से। यस, लुक डाउन ऑन का मतलब ये होता है नीचे से देखना, बे यार ये तो कॉलेज ही नहीं गया ऐसा वाला देख के, वो मतलब है इसका, ठीक है। तो देयर इज अ टेंडेंसी इन अ कल्चर टू लुक डाउन ऑन भी बोलते हैं, डाउन अपॉन भी बोलते हैं, दोनों बोला जाता है। द पीपल हु हैवंट बीन टू एन यूनिवर्सिटी, टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है टू थिंक, ये क्या लिख रहा है, टू थिंक, यू आर बेटर देन द अदर पर्सन। इसका मतलब बेसिकली वही बात, दूसरे शब्द बोले तो सामने वाला तुमसे इंफीरियर है, ये सोच के देखना सामने वाले को, यानी ये देखना कि तुम बेटर हो उससे और सामने वाला इस तरीके से कि वो इंफीरियर है, तब यूज करते हैं इसे, ठीक है। बाकी टेक ऑफ तो टेक ऑफ होता है, प्लेन टेक ऑफ होता है, कोई भी चीज उड़ती है उसके लिए टेक ऑफ बोलते हैं। शो ऑफ तो हमें पता ही है, टर्न ओवर इज टर्न ओवर, मतलब कुछ भी नया नहीं है। रन आउट मतलब खत्म हो जाना कोई चीज, ठीक है। और कार रन आउट ऑफ गैस ऐसा बोलते हैं, तो रन आउट। तो यस लुक डाउन ऑन, यानी कि किसी को इस तरीके से देखना नीचे निगाह से, बिल्कुल सही। अच्छा फिफ्थ ऑप्शन डी ये रहा, और ये तो नहीं है इसमें, ओ गॉड।
इसे एक बार जूम आउट कर लेते हैं. The soldiers will the soldier will be brought to trial because he is thought to have dash state secrets to the enemy. Yes, Saman. बाकी क्या लग रहा है? Backed up, broken out, turn off, run over. कोई सा नहीं लग रहा होगा. मैं अब देखो मैं वर्ड का पूरा फ्रेजल का पूरा मीनिंग ना पता हो बट स्टिल थोड़ा सा कनेक्शन तो होता ही है. तो यस बी इज करेक्ट. यानी कि कोई इंफॉर्मेशन आगे दे देना, कोई बात आगे बता देना जो अपने साथ रखनी थी. तो द सोल्जर विल बी ब्रॉट टू ट्रायल बिकॉज ही इज थॉट टू हैव, यानी सेंटेंस का मतलब पता चल रहा है कि ये माना जा रहा है या उसमें ये माना जा रहा है कि उसने अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो सीक्रेट से वो दुश्मन को दे दी है. तो इसलिए इसे ट्रायल के लिए लाया गया है. ठीक है. बैकअप का मतलब क्या होता है? सपोर्ट वाले सेंस भी यूज करते हैं. जैसे बैकअप बोलते हैं ना मूवीज में, देखा होगा हमें अब बैकअप की जरूरत है. तो ही बैक्ड अप द रिपोर्ट, ही बैक्ड अप मी, ही बैक्ड मी, आप ऐसे बोलेंगे. यानी ही सपोर्टेड मी, उस सेंस में यूज होगा. ठीक है. ब्रोकन आउट कई बार स्प्रेड आउट वाले सेंस भी यूज करते हैं. ब्रोकन आउट द फायर ब्रोक आउट देयर, तो आप इसे यूज करते हो सी वाले को. ठीक है. टर्न ऑफ रन ओवर तो नॉर्मल है. रन ओवर बाय कार, लोग गाड़ी चढ़ा देते किसी ऊपर ना, ठीक है, तब रन ओवर यूज करते हैं. ही रन ओवर बाय कार. ओके. टर्न आउट टर्न ऑफ है, कुछ भी नया नहीं इसके अंदर. तो यस यहाँ पे हो जाएगा गिवन अवे स्टेट सीक्रेट्स. ओके. इन ऑर्डर नॉट टू लूज इट्स मार्केट शेयर आवर कंपनी मस्ट डैश द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. बिल्कुल सही. ठीक है, सबका आंसर सेम है. तो यस, इन ऑर्डर टू लूज इट्स मार्केट, नॉट टू लूज इट्स मार्केट शेयर आवर कंपनी मस्ट कीप अप विद, यानी भाई उसके साथ में बने रहना, लेवल मेंटेन करके रखना लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के साथ में. ठीक है. होल्ड अप, होल्ड करना, वेट करना. कोई वेट करवाता है ना, ही हेल्ड अस अप, यानी उसने हमें देरी कराई या रोक के रखा, उसके लिए यूज करते हैं. ड्रॉप इन हम कई बार यूज करते हैं विजिट करने के लिए. ठीक है. विजिट मतलब छोटी सी विजिट देना, कि मैं वहां जा रहा था, सोचा होता हुआ चलूं. तो आई वॉज गोइंग देयर, आई थॉट आई शुड ड्रॉप इन. तो या फिर अपने दोस्त से बोलते हैं, हम लोग को भी कॉल पे, यहाँ कभी कभी ऑफिस जा रहा होता है, होते हुए निकल जाना, या इधर से जा रहा हो तो होते हुए निकल जाना. मतलब शॉर्ट विजिट जनरली. ठीक है. टू पे शॉर्ट विजिट जनरली, कहीं और जाते हुए, किसी और के यहाँ होते हुए जाना, उसके लिए बोलते हैं. तो हिंदी में हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं, होते हुए निकल जाना, उसके लिए ड्रॉप इन वर्ड यूज किया जाता है. ठीक है. Pay short visit. Okay. Wear out का मतलब खराब हो जाना. ठीक है. Wear out सुना होगा कई बार. मशीन जैसे चलते समय अगर कोई भी पार्ट उसका खराब हो जाता है, घिस जाता है ज्यादा, उसके लिए wear out word यूज करते हैं. Fall apart तो fall apart है. खत्म भी होता है wear out. हाँ, wear out खत्म भी हो सकता है. बिल्कुल, किसी चीज को खत्म करना भी होता है. जैसे बोलते हैं ना, यू कैन ईट दिस थिंग टू वेयर आउट द आफ्टर टेस्ट ऑफ मेडिसिन, तुम ये खा सकते हो ताकि उसकी आफ्टर टेस्ट को खत्म कर सको. तो उसके लिए भी यूज करते हैं वेयर आउट. यस. नेक्स्ट, इट इज ऑब्वियस दैट न्यू लॉ हैज डैश सम रिवोल्यूशनरी चेंजेस. नहीं, पुल्ड आउट नहीं बोलेंगे इसके लिए. हाँ, हम यही बोल सकते हैं ना. क्या लग रहा है बाकी लोगों को? ई कम एट नहीं, लॉ हैज न्यू लॉ हैज कम एट नहीं. वी कैन गो विद ए, ब्रॉट अबाउट. इट इज ऑब्वियस दैट द न्यू लॉ हैज ब्रॉट अबाउट. ब्रॉट अबाउट मतलब होगा टू मेक हैपन, जैसे टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, जैसे बोलते हैं ना टू ब्रिंग अबाउट सम चेंज, हमें ऐसा करना पड़ेगा. तो ब्रॉट अबाउट आ जाएगा, यानी कि टू मेक हैपन, ये काम करने के लिए, कुछ भी कर देना. टू मेक समथिंग हैपन. इट इज ऑब्वियस दैट द न्यू लॉ हैज टू हैज ब्रॉट अबाउट सम रिवोल्यूशनरी चेंजेस. ठीक है.
तो bring about, brought about, ये इसके साथ has use किया गया, इसलिए brought about आ गया, वरना bring about तो बहुत बार बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसे use करोगे, बाकी किसी मतलब बाकी दूसरा phrasal verb इसके साथ में नहीं जा रहा। ठीक है, अच्छा पुल आउट एक तो हम नॉर्मल सेंस में यूज करें, बाकी पुल आउट हम लोग जैसे मिलिट्री होती है ना, मिलिट्री को वापस लेते हैं, डी का मतलब, हाँ डी का मतलब ये होगा, जैसे रिट्रीट वाले सेंस में यूज कर सकते हैं हम लोग रिट्रीट, और रिट्रीट वर्ड बहुत बार सुना होगा, मिलिट्री को वापस बुला लेने के लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, टू विथड्रॉ, हाँ वापस लेना, यस टू विथड्रॉ, ठीक है, पुल आउट उसके लिए यूज किया जाता है, टू रिमूव ऐसा बोल सकते हैं, टू रिमूव समथिंग, टू विथड्रॉ समथिंग, पुल आउट, ठीक है, बाकी तो ठीक है, कमेट 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 ही है, कमेट अ पॉइंट और समथिंग, ठीक है, बाकी हम लोग ऐसी वर्ड्स साथ में यूज कर सकते हैं, बाकी में ऐसा कुछ खास नहीं है, टेक इन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर सेवंथ एट्थ ईयर, If it weren't for the loan I got from the bank, it would have been impossible for me to dash my own business. Easy hai wala ek baar mein bata doge mere khayal se. Na? Yes. Theek hai. If it weren't for the loan, kya matlab hoga? If it weren't for the loan, matlab agar loan nahi hota, agar loan ka jo bhi hai, agar loan hamare nahi mil pata, I got from the bank, agar loan nahi hota. तो बहुत इम्पॉसिबल, मतलब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है टू सेट अप माय ओन बिजनेस, बिल्कुल सही, टू सेट अप माय ओन बिजनेस, ठीक है, टेक डाउन सुना है कई बार, टेक डाउन कब यूज करते हैं, देखो एक तो अगर मूवीज मूवीज देखते हैं ना हम लोग हॉलीवुड में, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई स्नाइपर लेके बैठा है हरा देना टाइप का, यस टेक हिम डाउन, बिल्कुल सही, एक तो हरा देने वाले सेंस में बिल्कुल आएगा, ठीक है, टू डिफीट वाले सेंस में आएगा, किसी को हरा देना, ठीक है, और ऐसा बोल सकते हैं टू रिमूव समथिंग, ठीक है, टेक हिम डाउन समथिंग, ओके, और टू किल वाले सेंस में कभी यूज होता है, टू किल वाले सेंस में मूवीज में देखा है जनरली, जब आप स्नाइपर से बोलते हैं टेक हिम डाउन, टेक हिम डाउन, माइक देखा होगा कई बार फोन पे बोल रहे होते हैं टेक हिम डाउन, इसका मतलब वहां से गोली मार दो, ऐसे अटैक का, टू किल या फिर टू डिस्ट्रॉय, इस सेंस में यूज कर सकते हैं, और जब डिस्ट्रॉय वाले सेंस में आप यूज कर रहे हो इसका मतलब तो हरा देने वाले सेंस में ऑफ कोर्स हम इसे यूज करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल सही, टू क्रश, टू डिस्ट्रॉय, टू किल, टू रिमूव, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके, ड्रॉप ऑफ, एनी आइडिया, बिल्कुल सही, छोड़ के आने ना, ड्रॉप ऑफ पॉइंट ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ड्रॉप कर देना कहीं पे किसी को, टू डिलीवर, ठीक है, उस सेंस में हम लोग देख सकते हैं, टू डिलीवर और टू लीव, तो किसी को कहीं पे ड्रॉप करना, छोड़ के आना, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, टू ड्रॉप द किड्स ऑफ, ठीक है, आई वेंट विद हिम, ऐसे बोलोगे कि मैं उसके साथ जहां तक जा सकते हैं, जहां पे उसे छोड़ के आना है वहां तक गया था, आई वेंट विद हिम टिल द ड्रॉप ऑफ पॉइंट, ऐसे बोला जाता है, ऐसे टिल द ड्रॉप ऑफ पॉइंट, ड्रॉप ऑफ पॉइंट मतलब जहां तक छोड़ के आना था वहां तक छोड़ के आया, थ्रो अप किसके लिए यूज करते हैं, थ्रो अप तुम वॉमिट के लिए यूज करते ना कई बार, देखा होगा सुना होगा, मतलब पता ही थ्रो अप वॉमिट के लिए यूज किया जाता है, नहीं सुना तो लिख लो इसे, ये बहुत कॉमनली बोला जाता है, अगर कोई बोलता है थ्रो अप जिसका मतलब उसने वॉमिट किया, तो बहुत 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 कॉमन ही है, तो कई बार आप देखोगे वॉमिट नहीं बोलते, थ्रो बोल देते हैं, तो कॉमन स्टेट मतलब कॉमन टर्म है बिल्कुल, तो सेटअप हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही, बाकी क्रॉस आउट तो क्रॉस आउट है, नथिंग न्यू, देखो क्रॉस आउट का मतलब बस इतना हो जाता है, ये मैंने इसे क्रॉस आउट कर दिया, काट दिया किसी चीज को ऐसे पेन से, दिस इज क्रॉस आउट, ठीक है, तो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बाकी हाँ टेक डाउन पता था हमें, ड्रॉप ऑफ पता है, लिख लो से भी, एंड थ्रो अप टू वॉमिट, ठीक है, बहुत मतलब कॉमन टर्म है इसे यूज करना, नेक्स्ट
है भाई, he though he loved his fiance very much, the boy acted in accordance with his parents' wishes and dashed with her. अरे ये क्या बात है, तो गलत बात है। हाँ ऐसे थोड़ी होता, लेकिन though he loved his fiance very much, the boy acted in accordance with his parents and broke up with her. ओके, मेड अप किसी भी कहानी को बना देना, जैसे मैंने भी बोला था, ही मेड अप दैट स्टोरी, ठीक है, यानी कि इमेजिनेशन से बना देना कोई भी चीज, ठीक है। सेट आउट कहीं के लिए निकलना, टू लीव फॉर समथिंग, टू लीव, टू लीव फॉर एनीवेयर, ऐसा मतलब बाहर, मतलब निकलना कहीं के लिए, टू लीव फॉर, टू लीव फॉर अ प्लेस बोल सकते हैं हम लोग, कहीं के लिए भी निकलना उसके लिए बोलते हैं उसे, ठीक है। मेड अप यानी किसी भी चीज को इमेजिन करके मनगढ़ंत बेसिकली बोलते हैं, तो आप यूज करते हैं इसे, यानी टू मेक बोल सकते हो, ठीक है, टू कंपाइल, ये कंपाइल्ड स्टोरी, मेड अप स्टोरी, ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है उसे। फैब्रिकेट, ये एकदम बढ़िया वर्ड होता है, याद रखने वाला वर्ड। अगर कोई बोले ना कि किसी ने कोई कहानी बना दी, तो एक तो मेड अप यूज करते हैं वर्ड, दूसरा फैब्रिकेट वर्ड यूज करते हैं, फैब्रिकेटेड फैक्ट्स, फैब्रिकेटेड स्टोरी, यानी बना देना, मनगढ़ंत बना देना कुछ भी। तो फैब्रिकेट टर्म ये बहुत कॉमन है, लिख लेना इसे, फैब्रिकेट अ स्टोरी, इस वाले सेंस में यूज करते हैं। फैब्रिकेटेड फैक्ट्स, फैब्रिकेटेड स्टोरी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये वर्ड लिख लेना, कहीं भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं पे भी। ओके, बाकी मेकअप तो हमें पता चल गया, नहीं मेडअप, ओके, बाकी ठीक है। लुक इन, टर्न आउट, ज्यादा इसमें कुछ अलग से नहीं है एक्स्ट्रा, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। टर्न आउट बोला, ही टर्न आउट टू बी अ गुड पर्सन, ही टर्न आउट टू बी अ नाइस पर्सन, तो बाद में जो पता चला हमें कि वो कैसा इंसान था, यानी एंड रिजल्ट जो हुआ उसके लिए टर्न आउट आप यूज करते हो, ठीक है। यानी कि जब भी इसे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी तो आप इसे सही लगा दोगे, ठीक है। बाकी लुक्ड इन ऐसा कुछ खास फ्रेजल वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ब्रोक आउट, ब्रोक अप तो पता ही था ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, fact that the inflation rate has dashed up in recent months indicates that the government is following a reliable economic policy. बिल्कुल सही है ना, भाई इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, पेट्रोल डीजल और महंगा हुआ ना अभी रिसेंटली, ऑल दो लोग ज्यादा घूम नहीं रहे बाहर, बट स्टिल थोड़ा सा महंगा हुआ है ना अभी, पता चल रहा था ऐसे कुछ, 1-2 रुपए बढ़ा फिर से। हाँ, 1 महीने से नहीं निकले यार, आई नो 1 महीने से निकले नहीं, इसलिए मैंने बोला था, निकल तो रहे नहीं है, बट स्टिल शायद न्यूज में ना कहीं देखा था सब कुछ, बस दवाई लेने निकले हैं। चलो यार ध्यान रखो, थोड़ी बहुत दवाइयाँ तो वैसे भी फिट रहने के लिए लेनी पड़ रही है आजकल, ऐसा हो गया। बात ये ना कि जरा सा भी कोई हल्का सा भी यू फील सिक, तो भी इंसान थोड़ा घबरा जाता है, तो थोड़ी बहुत क्यों दवाइयाँ ले लेने में, इट्स फाइन। ओके, पुट फॉरवर्ड हम लोगों ने भी सबसे पहला वाला देखा था, कोई चीज आगे रखना, अपना नाम सजेस्ट करना, पुट फॉरवर्ड समथिंग, ठीक है, तब यूज कर सकते हो, ठीक है। पुट आउट, सेट आउट वाले सेंस में यूज होता है, ठीक है, पुट आउट भी मेरे ख्याल से उसके लिए यूज करते हैं हम लोग, कहीं निकलने के लिए पुट आउट। वैसे पुट आउट एक और जगह यूज करते हैं, जैसे आग बुझा देना ना, पुट आउट द फायर, तब भी आप इसे यूज करते हैं, टू एक्सटिंग्विश, एक इस यूज इसका ऐसा होता है, याद रखना, ये पुट आउट मतलब टू एक्सटिंग्विश भी होता है, आग बुझाना, पुट आउट द फायर, तो द फायरमैन, पुट आउट द फायर, ऐसा कुछ बोलोगे आप, ठीक है। यानी कि टू टर्न ऑफ, ठीक है, पुट डाउन का मतलब क्या होगा, नॉर्मली नीचे रखने वाले सेंस के अलावा किसी चीज को डिवेल्यू करना, ठीक है, पुट डाउन ऐसे सेंस में भी यूज किया जाता है,
लिख सकते हैं ऐसे हम लोग। तो टाउन का मतलब कई बार ये टू इंसल्ट भी होता है इसका, जैसे कि फ्रीक्वेंटली। पुट डाउन हिज जूनियर्स व्हाइल वर्किंग, ठीक है। इस सेंटेंस को मतलब लिख सकते हो, तो ही पुट डाउन का मतलब कई बार इंसल्ट भी होता है, ही फ्रीक्वेंटली पुट डाउन हिज जूनियर्स व्हाइल वर्किंग। तो ऐसे दिखा देना अभी क्या कर रहे हैं। तो टू इंसल्ट हो गया, टू डिमीन हो गया, ठीक है, मतलब डिवैल्यू छोटा दिखाना उसे, सब यूज करते हैं उसे। ठीक चलिए, कम डाउन विद इसे लिख सकते हो भाई, आज के टाइम पे काफी ज्यादा पैसे ही है। टू गेट एन इलनेस, या फिर टू शो सिम्टम्स ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे अगर कोई इंसान ऐसा होता है, जैसे आपको अभी लगे कि मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रहा है ऐसा, तो आई एम कमिंग डाउन विथ कोल्ड, ऐसे बोल सकते हो उसे। ठीक है, जैसे ही इज कमिंग डाउन विथ कोल्ड, ऐसा कि कोल्ड के सिम्टम्स दिख रहे हैं उसके, ऐसा लग रहा है इसे थोड़ा कोल्ड हो गया है, इज कमिंग डाउन विथ कोल्ड, ऐसे आप इसे यूज करते हैं। टू गेट एन इलनेस और टू शो सिम्टम्स, तब यूज किया जाएगा। ये सारे नोट करते हुए चला, दे आर क्वाइट इम्पोर्टेंट, काम आते सारे ये, जब भी देखो कुछ नहीं होगा तो कम से कम ऐसा होता है कि चॉइस को एलिमिनेट करने के काम आएंगे ये, अगर डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, बाकी गिव ऑफ तो गिव ऑफ है, गिव समथिंग ऑफ टू एमिट, एमिट मतलब जैसे लाइट अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है उस वाले सेंस में यूज करोगे इसे, टू एमिट या फिर टू प्रोड्यूस। ज्यादा तिरछा लिख दिया, टू एमिट और टू प्रोड्यूस ऐसे बोल सकते हो, टू प्रोड्यूस। जैसे द सब्सटेंस बोल सकते हैं, मैं वैसे द कार लिखने वाला था, द सब्सटेंस वॉज गिविंग ऑफ स्मोक, गिविंग ऑफ स्मोक, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, द सब्सटेंस वॉज गिविंग ऑफ स्मोक, यानी कि उससे धुआं निकल रहा था, टू प्रोड्यूस और टू अमिट। ठीक है, द कार वॉज गिविंग ऑफ स्मोक, वो भी चल जाएगा, तो नॉर्मल है। ठीक है, बस हाँ ध्यान रखना कम डाउन विद अच्छा है यहाँ पे, और ये आपने सही पूछा था पुट डाउन का मीनिंग, ये भी काम की चीज है। चलिए एक और देख लेते हैं, देन वील एंड द क्लास। आई विल बाय दिस बैग सिंस इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन, इजी है। या ठीक है, आई विल बाय दिस बैग सिंस इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, ये वही चीज है जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था मैं। ठीक है, ओके, मेकिंग आउट टू गेट द आइडिया, आई कैन मेक आउट कि क्या हो रहा है, टू गेट द आइडिया क्या हो रहा है उस वाले सेंस में भी यूज करते हैं। ठीक है, टेकिंग आफ्टर रिजेंबल बताया था मैंने सबसे पहले, टेक आफ्टर समथिंग उस टाइम पे बताया था, टू रिजेंबल। ठीक है, गिविंग अवे, गिव अवे समथिंग, ये तो उसी सेंस में था बस, देना। कॉलिंग ऑफ टू कैंसिल है ना, दे कॉल्ड ऑफ समथिंग टू कैंसिल या रिवोक, वापस ले लेना। ठीक है, कोई भी फैसले या कोई भी चीज वापस ले लेना, तो उसके लिए आप यूज करते हो, या फिर किसी चीज को कैंसिल कर देना, तब यूज किया जाएगा ये। ठीक है ना, चलिए नाइस, इसका ये हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए, तो लेट्स कीप इट टिल हियर, इतना रखते हैं आज के लिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग मोस्टली कल। ठीक
और हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंसेस। टेंसेस स्टार्ट करने का प्लान था ये लोग आई गेस हम लोग का, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज के साथ में कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी वाले वर्ड्स पता है जहाँ भी नोट करें ये पढ़ के देख लेना और काम आएंगे, अंग्रेजी बोलने में भी और लिखने में भी, क्वेश्चंस के साथ भी ऑफकोर्स, ठीक है। चलिए विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक फिट रहिए, स्टे फिट, टेक केयर, ओके, यस, ओके, टाटा मैम। Yes, bye-bye.